वेलकम टू करियर इन एक्शन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आल्सो डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। देखिए शिल्पा सरोज, एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देख सकते हो आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी क्या, अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। खुशखबरी है कि निराशा है, निराशाजनक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के वीडियो में क्या है। तो देखो आज के इस वीडियो में हम NMDC लिमिटेड, यहाँ पे देख पा रहे हो दिस वन NMDC, ठीक है। ये जो है एक गवर्नमेंट एंटरप्राइज है, यानी कि आपका नवरत्ना कंपनी है NMDC लिमिटेड। तो इसने जो है क्या करा है, इसने वैकेंसी आउट की है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार इसको देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं। नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड मल्टी लोकेटेड, मल्टी प्रोडक्ट एंड कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग माइनिंग एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन ऑर्गेनाइजेशन विथ लार्ज टर्नओवर। NMDC लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ मैसिव एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बहुत बढ़िया। NMDC लिमिटेड इज नाउ इन्वाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल एंड विलिंग कैंडिडेट्स फॉर फॉलोइंग पोस्ट टू बी डिप्लॉयड इन वेरियस प्रोजेक्ट्स यूनिट्स। चलो ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो पोस्ट जो है वो क्या है, जूनियर ऑफिसर की पोस्ट है, ट्रेनी जिसको बोलते हैं, ठीक है। जूनियर ऑफिसर की जो पोस्ट है उसमें वेरियस डिसिप्लिन हैं, जैसे कि कमर्शियल, एनवायरमेंट, जियोलॉजी, ठीक है, माइनिंग, सर्वे, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सबसे ज्यादा जो पोस्ट है वो किस चीज की है। तो यहाँ पे पोस्ट जो देख पा रहे हो आप, यहाँ पे कॉमर्शियल के लिए 4 पोस्ट है, एनवायरमेंट के लिए 1 है जो सबसे कम है, जियोलॉजी के लिए 3 है, माइनिंग के लिए सबसे ज्यादा 56 पोस्ट है, सर्वे के लिए 9 है, केमिकल के लिए 4 है, सिविल के लिए 9 है एंड इलेक्ट्रिकल के लिए 44, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए 3 है और मैकेनिकल के लिए 20 पोस्ट है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो द नंबर ऑफ पोस्ट इंडिकेटेड अबव इज टेंटेटिव एंड मे वेरी डिपेंडिंग अपन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। तो बोल रहा है ये टेंटेटिव है, बढ़ घट भी सकता है। यहाँ पे नीचे देख लेते हैं फिर हम रिक्वायरमेंट, यहाँ पे देख लेते हैं रिक्वायरमेंट, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जूनियर ऑफिसर की जो पोस्ट आई है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट जो डिसिप्लिन है, लाइक कमर्शियल में क्या बोल रहे हैं कि आपका डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में, या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, MBA हो, PG डिग्री हो, डिप्लोमा हो मार्केटिंग में, फॉरन ट्रेड, सेल्स मैनेजमेंट में, या ग्रेजुएट हो आप CEO और ICMA से, तो आप एलिजिबल हो कॉमर्शियल के लिए। इन्वायरमेंट की बात कर ले, इन्वायरमेंट में अगर आपने डिग्री करी है सिविल से, केमिकल से, माइनिंग से, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग से, या PG डिग्री है आपका इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में, या फिर इंजीनियरिंग में, इन्वायरमेंटल साइंस में, जियोलॉजी में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, या PG डिग्री है आपका या डिप्लोमा है इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में 2 साल का जो होता है, या फिर डॉक्टरेट है आपका इन्वायरमेंट स्टडीज में, इम्पैक्ट असेसमेंट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, ठीक है। ये इतना होना चाहिए अगर आप इन्वायरमेंट के पोस्ट के लिए अगर आप भर रहे हो तो। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जियोलॉजी एंड क्या है क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, ये प्रोग्राम होता है। या तो आपने MSc करा है, ठीक है, या फिर MTech करा आपने जियोलॉजी से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो जो है आप एलिजिबल हो इसके लिए। उसके बाद फिर माइनिंग की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोवर्सी वाला सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे माइनिंग के टर्म्स में बेसिकली जो ज़्यादातर लोग हैं, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, वो माइनिंग के लिए ही इस फॉर्म को भरेंगे। और तो यहाँ पे क्योंकि पोस्ट ज़्यादा ऐसी ही है, क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी, यहाँ पे क्या आपसे मांगा है क्वालिफिकेशन, देखो 3 साल का डिप्लोमा है माइनिंग इंजीनियरिंग में, ठीक है, समझ में आ रहा है। फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, गुड, इंस्टीट्यूट विद फोरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी टू ओपन कास्ट मेटलिफेरस माइंस और डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ सेकेंड क्लास माइन मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी टू ओपन कास्ट मेटलिफेरस माइंस। अभी इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं थी इनको, डायरेक्ट जो है आप बोल सकते थे कि भाई इनका डिप्लोमा है माइनिंग इंजीनियरिंग में, है ना, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है इनका, या फिर ओवरमैन सर्टिफिकेट या माइनिंग सदर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट आप बोल सकते थे। बट यहाँ पे क्या दे दिया है, फोरमैन सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपका सेकेंड क्लास माइंस मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले बंदों के लिए जो है किस्मत खुल गया है एक तरीके से, नॉट फॉर फ्रेशर, ठीक है, नॉट फॉर फ्रेशर, फ्रेशर के लिए नहीं है ये एक्सपीरियंस। देखो यहाँ बोल रहा है मिनिमम 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड इन केस ऑफ डिप्लोमा होल्डर, डिप्लोमा होल्डर हो तो फिर 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपका, है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे बोल रहा है। अच्छा, अभी सर्वे में क्या है, 3 साल का डिप्लोमा माइनिंग या फिर डिप्लोमा माइन सर्वेइंग होना चाहिए,
या फिर माइन सर्वे सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए कॉम्पिटेंसी अंडर MMR, ठीक है। तो एक्सपीरियंस यहाँ भी 5 ईयर का मांगा हुआ है, देख सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट इज केमिकल, केमिकल में MSc मांगा है, केमिस्ट्री से MSc हो। डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। सिविल में आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या डिग्री हो सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। नॉर्मल एक्सपीरियंस में देखो क्या मांगा है, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, लाइक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में, कन्वेयर गैलरी स्ट्रक्चर्स में, मल्टी स्टोर RCC बिल्डिंग्स में, टाउनशिप इंक्लूडिंग पब्लिक यूटिलिटीज लाइक वाटर सप्लाई, रोड, ड्रेनेज सिस्टम एक्सेट्रा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में क्या मांगा है, यहाँ पे देख लेते हैं हम इसको। 3 साल का डिप्लोमा बोल रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है, ऑफ कॉम्पिटेंसी। अच्छा, नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस क्या मांगा है, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है यहाँ भी, इन कैरिंग आउट रिपेयर्स, ओवर हॉलिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ STLT सिस्टम इंस्टॉलेशन। यहाँ पे STLT मशीनरी के लिए बोल रहा है इक्विपमेंट्स एंड गैजेट इनसाइड आउटसाइड प्लांट्स बिल्डिंग इंक्लूडिंग ओवरहेड अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइंस केबल्स ट्रांसफार्मर्स सर्किट ब्रेकर्स पैनल स्विच बोर्ड एंड देयर एक्सेसरीज एंड अलाइड इक्विपमेंट इन केस ऑफ डिप्लोमा होल्डर्स, अगर डिप्लोमा होल्डर्स हो तो। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में क्या मांगा है, देखो डिग्री होना चाहिए आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, ठीक है, या फिर डिग्री हो आपका माइनिंग मैकेनिकल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में विथ PG डिग्री हो आपका, या डिप्लोमा हो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट इज मैकेनिकल, मैकेनिकल के लिए 3 साल का डिप्लोमा मांगा है आपसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या फिर आपका डिग्री हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। सिंपल मैकेनिकल के लिए देखो सही मांगा है, इसी तरीके से आपको माइनिंग का भी मांगना चाहिए था, बट यहाँ पे एक्सपीरियंस दे के सब चौपड़ कर दिया है। मिनिमम 5 ईयर पोस्ट यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है रिपेयर एंड ऑपरेशन ऑफ हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स में लाइक डीजल एंड इलेक्ट्रिकल शॉवल डंपर डोजर ड्रिल प्लांट मशीनरी इन केस ऑफ डिप्लोमा होल्डर्स, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर आपका मैक्सिमम एज जो है 32 साल यहाँ पे दिया हुआ है, अपर एज लिमिट जो है 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है, देख सकते हो। अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन मिला है 5 साल का फॉर SC ST एंड 3 साल का OBC नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो स्टिपेंड में लिखा हुआ कैंडिडेट्स सिलेक्टेड फॉर जूनियर ऑफिसर पोस्ट विल बी प्लेस इनिशियली एज अ ट्रेनी, तो जो पोस्ट है उसमें ट्रेनिंग पीरियड पे आप रहोगे। द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग मंथली स्टिपेंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड एंड रेगुलर पे स्केल आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग एज RS बिलो। तो यहाँ पे आपका जो है पूरा जो आपका पे स्केल है वो बताया हुआ है कि जूनियर ऑफिसर ट्रेनी जो है आपका, जैसे मान लीजिए सारा जो डिसिप्लिन दिया हुआ था, पहले आप ट्रेनी एज अ ट्रेनी रहोगे ट्रेनिंग पीरियड पे, ठीक है। तो जो डिग्री होल्डर्स हैं उनका 12 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, और जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनका 18 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। स्टिपेंड्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड जो पैसा मिलेगा आपको, फर्स्ट 12 मंथ में आपको मिलेगा 37,000 और जो बाकी 6 महीना है उसमें आपको 38,000 मिलेगा, ठीक है। तो पे स्केल ऑन कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तब जो वो मिलेगा आपको, जो है हाइफन लगा है 37,000 से 130,000 तक आपको मिलेगा, ये आपका पे स्केल है, राइट। नंबर ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हो सारे डिसिप्लिन का दिया हुआ है, SC के लिए, ST के लिए, OBC, EWS, अनरिजर्व के लिए कितना सीट है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। उसके बाद फिर आप यहाँ पे नीचे आ जाओगे कैसे इसको अप्लाई करना है, तो एलिजिबल कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू NMDC वेबसाइट। इस पे आप जाओगे NMDC वेबसाइट पे, ये इनका जो वेबसाइट का है www.nmdc.co.in, ठीक है। तो करियर्स पे जाना है और वहाँ पे साइट अवेलेबल हो जाएगा, कब होगा 21/10 यानी आज हो जाएगा 11:59 PM रात में देख लीजिएगा, और ये 10 नवंबर तक रहेगा, तब तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इसको फॉर्म को फिल कर देना, और यहाँ पे देख पा रहे हो अमाउंट कितना लिखा है, 250 रुपीज़ लिखा है इज़ टू बी पेड बाई ऑल कैंडिडेट्स, 250 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, और यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म भरने के बाद पेमेंट वगैरह आप कर देना, ठीक है। अपना फोटोज वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेगा वो दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी अपना पास रखिएगा आप, जैसे कि रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 10th certificate 10th class का सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के मामले में आप सारा सर्टिफिकेट अपने पास रखोगे, कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा, और आपका SC ST OBC डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल स्कैन सिग्नेचर स्कैन किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये सब फिल करने के बाद जो है लास्ट में क्या है, यहाँ पे देखो कैसे होगा मोड ऑफ सिलेक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है मोड ऑफ सिलेक्शन मतलब ऑनलाइन यानी CBT बेस्ड आपका पेपर होगा। उसके बाद मैक्सिमम आप 100 होगा, सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट जो है ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी कुल मिला के 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। तो MCQ टाइप का होगा, एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपियर फॉर CBT कंसिस्टिंग ऑफ MCQ इन एनी ऑफ द सेंटर एज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे CBT बेस्ड होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, और लैंग्वेज जो है आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा,
ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टाइप का होगा जो आपका। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द सीबीटी बाय फॉलोइंग रिजर्वेशन पॉलिसी। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट्स हैं जिनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा वो उनके सीबीटी के जो परफॉर्मेंस होगा उसके बेसिस पे बुलाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जैसे कि ये एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हैं तो इनके लिए 40 मार्क्स लाना जरूरी है, कंपलसरी है। उसके बाद ओबीसी एनसीएल में 55 मार्क्स है और अनरिजर्व ईडब्ल्यू के लिए 50 मार्क्स लेके आना ही है, फिर आपको सेकंड राउंड के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद स्किल टेस्ट में देयर विल बी सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट विच इज क्वालिफाइंग नेचर, तो क्वालिफाइंग मार्क्स इन सुपरवाइजर स्किल टेस्ट आउट ऑफ टोटल ऑफ 100 मार्क्स विल बी अंडर इस तरीके से। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, बोल रहा है सुपरवाइजरी जो स्किल टेस्ट होगा क्वालिफाइंग नेचर होगा, तो बोल रहा है 100 नंबर में से किस तरीके से होगा वो कि 40 मार्क्स आपको लेके आना हो अगर आप अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं, 37% अगर आप ओबीसी हैं एनसीएल कैंडिडेट्स, और 30% जब आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हैं। अब उसके बाद फिर यहाँ पर रेशियो बोल रहा है, रेशियो ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर, कितना रेशियो पे बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट राउंड के लिए। द कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट इन द रेशियो 1:3, 1:3 रेशियो में बुलाया जा रहा है, विच इज ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑनलाइन टेस्ट। तो जो भी सीबीटी में आप मार्क्स लेके आओगे उस बेस पे 1:3 रेशियो में आपको बुलाया जाएगा सेकंड राउंड के लिए। डिसिप्लिन वाइज कैटेगरी वाइज इन केस टू और मोर कैंडिडेट्स इन द सेम डिसिप्लिन कैटेगरी हैज सिक्योर्ड इक्वल मार्क्स इन द ऑनलाइन टेस्ट एंड द रेशियो 1:3 इज इंक्रीजिंग इन सच केस ऑल दोस कैंडिडेट्स सिक्योर्ड इक्वल मार्क्स विल बी कॉल्ड फॉर सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ अबव रेशियो। अगर ऐसा होता है कि मान लीजिए जो कुछ कैंडिडेट्स हैं उनका सेम या इक्वल मार्क्स है तो हमें तो 1:3 रेशियो पे ही बुलाना है, लेकिन जबकि उनका जो है इक्वल मार्क्स है इसलिए उनको दोनों ही बच्चों या जो भी बच्चे होंगे जो सेम इक्वल मार्क्स लेके आए होंगे उन सबको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। वो अलग बात है कि किन का चयन होगा, लेकिन बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। उसके बाद फिर कैंडिडेट्स हु हैव अटेंडेड फॉर स्किल टेस्ट एंड फेल टू सिक्योर अबव क्वालिफाइंग मार्क्स स्टैंड डिसक्वालिफाइड फॉर कंसीडरिंग देयर कैंडिडेचर इन फाइनल मेरिट लिस्ट। अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं स्किल टेस्ट में तो उनको मेरिट लिस्ट में फाइनल नहीं किया जाएगा, डिसक्वालिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो स्किल टेस्ट जो है वो रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन से होगा जो कि मैंडेटरी होगा, ऑब्वियसली जो आपका डिसिप्लिन है उसी से होगा। और यहाँ पे लिखा है कि स्किल टेस्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर एंड द इट्स मार्क्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द ऑनलाइन टेस्ट मार्क्स। फाइनल सिलेक्शन इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट एंड फर्दर सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि जो आपका मेन जो पेपर है ना वो आपका सीबीटी ही होगा, उसी के बेस पे आपका स्किल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा और स्किल टेस्ट में आपको जो बताया मैंने वो ऊपर उसको एक बार देख लीजिए, इतना आपको मार्क्स लाना है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जब आप इसको पास कर लोगे तब फिर आपका फाइनल चयन होगा। द मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट फॉर स्किल टेस्ट एंड ऑल्सो फॉर फाइनल सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड डिसिप्लिन वाइज ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। तो ये सब पूरा लिखा है, पढ़ लीजिएगा इसको। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट विथ ओरिजिनल्स यहाँ पे लिखा है। तो जो स्किल टेस्ट, तो कैंडिडेट्स जिनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टेस्टिमोनियल्स अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज इन सपोर्ट ऑफ एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कास्ट एक्सेट्रा फॉर वेरिफिकेशन ऑफ देयर एलिजिबिलिटी एज पर नोटिफिकेशन एट द टाइम ऑफ सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि जो स्किल टेस्ट के लिए जिनको बुलाया जाएगा उन कैंडिडेट्स को, तो उनको अपना सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आना होगा, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज लेके आनी होंगी, एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कास्ट वगैरह सब लेके जाना होगा आपको, ठीक है, स्किल टेस्ट के लिए। In case the candidates do not produce submit the required document before attending for skill test, the candidates will not be permitted to attend the supervisory skill test. तो जो अपना documents नहीं submit कर पाएंगे skill test के दौरान या उसके पहले, तो उनको attend नहीं करने दिया जाएगा skill test, यानी कि उसके पहले ही आपको लेके जाना है, ठीक है। ये सारा document आपका तभी check होगा, ठीक है। The decision of NMDC management is final in this record. तो जो है एनएमडीसी का जो मैनेजमेंट है उसका डिसीजन फाइनल होगा। जनरल कंडीशन यहाँ पे आप पढ़ लेना है सबको, यहाँ पे ये नहीं बताऊंगी, पूरा पढ़ लीजिएगा इसको, कैसे क्या फिल करना है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, उसके बाद फिर आप इसको पूरा भरिएगा, ठीक है। एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल बी डिस्प्लेड इन एनएमडीसी वेबसाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन कौन है सीबीटी के लिए, ऑनलाइन टेस्ट मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर सुपरवाइजर स्किल टेस्ट, ये सारे चार फेज में आपका जो है टाइम टू टाइम जो है इनका नोटिफिकेशन जारी होते रहेगा और उस तरीके से आप इनके वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट्स पे चेक कर सकते हो जाके, ठीक है। तो ये है, बाकी जो एलिजिबल है वो इस फॉर्म को भर दीजिए, बहुत ही बढ़िया पे स्केल है, बहुत ही बढ़िया पोस्ट है और ज़िंदगी अच्छा रहेगा, मस्त।
बट ये है बस यही एक स्टूडेंट्स के लिए गुहार यही है कि जो है फ्रेशर वैकेंसी नहीं निकाल रही है कोई भी सब्सिडियरी या कोई भी कंपनीज की अगर हम बात करें मिनी रत्ना महारत्ना या नवरत्ना कंपनीज, तो ये फ्रेशर के लिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है कि फ्रेशर के लिए जो है वैकेंसी निकाली जाए। बहुत सारे बच्चे जो ऐसे हैं जो फ्रेशर हैं और उनके लिए वो चाहते हैं कि भाई हमारे लिए वैकेंसी आए बट वैकेंसी नहीं आ रही है, तो एक गुहार उनकी तरफ से यहाँ पे मैं लगाना चाहूँगी कि उनके लिए फ्रेश वैकेंसी जो है ज़रूर जल्दी से जल्दी निकाला जाए। ठीक है, चलो तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी जो एलिजिबल है जल्दी जल्दी इसको फॉर्म को भर दीजिए, आज से शुरू हो रहा है फॉर्म फिलअप। बाकी कोई दिक्कत हो तो कन्फ्यूजन हो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।